आदरणीय साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबको आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं उन सभी व्यक्तियों को नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ जिनके कारण हमें आज़ादी प्राप्त हुई, जिनके त्याग के कारण ही आज हम इस आज़ाद देश में रह रहे हैं। इसके पश्चात मैं उन सभी लोगों को पुनः स्मरण करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ जिन लोगों के कारण देश की एकता और अखंडता अक्षुण रही और हमारी आज़ादी का कायम है। मित्रों, देश की आज़ादी को प्राप्त करना आसान होता है, उसे बनाए रखना मुश्किल होता है और पिछले 75 वर्षों में जिस त्याग के कारण, जिस देशभक्ति के कारण देशवासियों ने कार्य किया है, उसी के कारण हमारी आज़ादी सुरक्षित रह पाई है। आज़ादी के समय देश में गरीबी थी, निराशा थी, लोग भविष्य के प्रति थोड़े से चिंतित थे कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, लेकिन विकास बढ़ता गया और यह निराशा धीरे धीरे समाप्त होकर उत्साह और विकास में बदल गई। आज जितनी जिस प्रकार से हम आशान्वित हैं, देश के प्रति हमारे में उत्साह है, शायद पूर्व में कभी देखने को नहीं मिला। देश की यह विकास की गाथा एक जैसी नहीं रही, अलग अलग दशकों में से देखा जाए तो 1950 के दशक में देश में उत्साह और उल्लास था क्योंकि आज़ादी अभी अभी मिली थी और लोगों को लग रहा था कि शायद सारे हमारे जितने भी दर्द हैं दूर हो जाएंगे, लेकिन 60 के दशक में आते आते लोगों में कुछ निराशा आने लगी। दो महायुद्ध ने, 3 वर्षों के ड्रॉट ने तो अर्थव्यवस्था की प्रगति की गति को धीरे कर दिया और लोगों को लगने लगा कि पता नहीं यह आज़ादी पूरी तरह से सफल होगी भी नहीं। 70 और 80 के दशक में यदि हम उसे ठीक से देखें तो पता लगेगा कि देश में झूठा का भाव था, विद्रोह का भाव था, हर जगह कहीं ना कहीं विद्रोह देखने को मिलने लगा था, लोगों को लगने लगा था कि कहीं तो गलती कुछ हो गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि 15 अगस्त का दिन कहता है कि आज़ादी कहीं अधूरी, आज़ादी अधूरी थी और शायद लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाए थे जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना हम चाहते थे, लेकिन 90 के दशक में आते ही सब कुछ अचानक ही परिवर्तित हो गया। और जब देश ने यह जाना कि जब तक देश की जनता पर विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों पर आस्था नहीं प्रकट करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। सरकार की जो पकड़ थी देश पर, देश की जनता पर, हर कार्य पर, वो धीरे धीरे ढीली करी की गई और इसका परिणाम हुआ कि देश में नई ऊर्जा का संचार हुआ और देश प्रगति के दौर पर बढ़ने लगा। पिछले 30 वर्षों का यह जो परिवर्तन हुआ है उसको यदि हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि सुबह से शाम तक जो भी चीज़ हम करते हैं उसमें एक व्यापक परिवर्तन है। दिन हमारे जीवन के हर अंग में परिवर्तन आया है और हर आकांक्षाओं में परिवर्तन आया है। कहीं तक जहां हम लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे किरोसिन के लिए, आज के दिन इन सब चीज़ों के बारे में लोग हम लोग सोचते भी नहीं। 75 वर्ष की इस यात्रा के साथ साथ लगभग 50 वर्षों की सीआईएल की यात्रा भी जुड़ी हुई है। 1975 में 89 मिलियन टन से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज 622 मिलियन टन तक पहुँच चुकी और हम पूरे विश्वास के साथ इस वर्ष में 700 मिलियन टन की अपनी यात्रा को पूर्ण करना चाह रहे हैं। 1991 में पहला परिवर्तन आया हमारे बीच कोल इंडिया और पहली बार 167 करोड़ रुपए की हम लोगों ने आय अर्जित की, मतलब प्रॉफिट में आया। यह 167 करोड़ बढ़कर पिछले साल 17,000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन क्या कोल इंडिया के कंट्रीब्यूशन को, देश के विकास में उसके योगदान को केवल प्रॉफिटेबिलिटी से आंका जा सकता है? शायद नहीं। शायद प्रॉफिटेबिलिटी कोल इंडिया के लिए एक बहुत ही छोटा सा अंश है। हमारी उपलब्धि सबसे बड़ी इस बात में है कि हमने देश की ईंधन की आवश्यकता को और उसकी सुरक्षा को बनाए रखा है। पिछले 12 महीने थोड़े तनाव के समय का समय था। अगस्त में पिछले माह पावर स्टेशंस पर कोल की कमी होने लगी थी और उनका स्टॉक्स गिर गया था। यद्यपि मैं मानता हूँ कि इस कमी के लिए कोल इंडिया किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं था, लेकिन कोल इंडिया से ही सबको उम्मीद थी और सारी संभावनाएं कोल इंडिया पर आकर केंद्रित हो जा रही थी। पिछले 12 महीने में हम लोगों ने अपना उत्पादन लगभग 60 मिलियन टन बढ़ाया है। शायद पहले किसी भी वर्ष में, किसी भी 12 महीने में इतना अधिक उत्पादन नहीं बढ़ा होगा और इस कारण
देश में जो कोयले की कमी थी वो आज लगभग समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। आज देश पावर हाउस में लगभग 30 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि अब उस तरह का कठिन समय पुनः देखने को नहीं मिलेगा। इस पहले क्वार्टर में हम लोगों का उत्पादन लगभग 36 मिलियन टन बढ़ा है, शायद किसी भी क्वार्टर में इतना अधिक उत्पादन नहीं बढ़ेगा और हमारा यह उत्पादन लगातार बढ़ते जा रहा है। इस अवसर पर उत्पादन के साथ साथ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है पर्यावरण। यदि हम अपने पर्यावरण को अक्षुण्ण नहीं रखेंगे तो हमें कभी भी अपने उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग नहीं मिलेगा और इस दृष्टि से भी पिछला वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसके पूर्व कोल इंडिया लगभग 800 हेक्टेयर पर वनीकरण करता था जबकि पिछले वर्ष में इसे बढ़ाकर हम लोगों ने लगभग 1500 हेक्टेयर तक कर दिया। किसी एक वर्ष में इस प्रकार से एरिया को दुगने करने की शायद कहीं पर कोई दूसरी उपलब्धि दिखेगी नहीं। पिछले 2-3 वर्षों में हम लोगों ने अपने कैपेक्स को भी बढ़ाया है और कैपेक्स बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण, क्योंकि हमें पर्यावरण सुरक्षित करना था और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी संख्या में FMC प्रोजेक्ट्स लिए। ये सभी प्रोजेक्ट्स जब मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएंगे तो मैकेनाइज्ड वे से इवैक्यूएशन हमारा जो अभी 125 मिलियन टन 150 मिलियन टन होता है, ये बढ़कर 550 मिलियन टन हो जाएगा और तब शायद हमारे आसपास के लोग यह कह पाएंगे कि कोल इंडिया के कारण पर्यावरण को कहीं भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिटाइजेशन और मैकेनाइजेशन को जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रमुखता दी है उससे निश्चय ही आने वाले समय में हमारे पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी और इसके लिए हमारी सफलता मिली है कि नहीं, इसके लिए हम काफ़ी संख्या में CAQMS लगा रहे हैं, कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रहे हैं, जिससे कि हमें जानकारी मिल सके कि जो भी हमने प्रयास किया है उसकी वो सफल हुए हैं कि नहीं। केवल FMC लगा देने से या फॉग कैनन खरीद लेने से किसी कोई बात प्रमाणित नहीं होती है, ये CAQMS हमें प्रमाणित करके बताएगा कि हमारे सारे प्रयास सफल हुए हैं। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हित का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है और प्रमोशन और रिक्रूटमेंट की व्यवस्था को रेगुलराइज कर दिया गया है। आज के दिन कोई भी व्यक्ति जिसे प्रमोशन मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला है, ऐसा पूरी कंपनी में शायद कहीं नहीं होगा। हम लोगों ने JBCCI का गठन भी सही समय पर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि इसका वेज नेगोशिएशन जल्दी ही कंप्लीट कर लिया जाएगा ताकि मजदूरों को जो देय राशि है उन्हें प्राप्त हो सके, उनका वह हक है और ये उन्हें जितनी जल्दी प्राप्त होगा कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होगा। अन्य स्टेक होल्डर्स को भी हम लोगों ने सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है और इसके लिए एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल बनाया गया है जो कि चेयरमैन के सेक्रेटेरिएट द्वारा लगातार जिसकी मॉनिटरिंग की जाती है और इनके प्रयास से पिछले वर्षों में काफ़ी सारे ग्रीवांसेस का रिड्रेसल हुआ है और हमारे स्टेक होल्डर में ये विश्वास आ गया है कि कंपनी उनके हितों की के प्रति भी पूरी तरह से जागरूक है। एक महती कार्य पिछले वर्ष किया गया है वह कोल इम्पोर्ट को लेकर। कोल इंडिया पर जून माह के शुरुआत में एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कोल इंपोर्ट करें सभी कंपनियों के प्रति और आज की स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि हमने 2.5 महीने के छोटे से समय में उसकी पूरी तैयारी कर ली और 1-2 दिन के अंदर पहला जहाज विशाखापट्टनम पोर्ट पर भी पहुंच जाएगा और यह प्रमाणित करता है कि कोल इंडिया जब किसी बात को करने के लिए ठान लेता है तो उसमें करने में किसी प्रकार की भी कमी नहीं होने देता है। अंत में आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से राष्ट्र को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोल इंडिया राष्ट्र की एनर्जी सिक्योरिटी के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसके लिए जितना भी आवश्यक प्रयास होगा वो हम पूरी लगन के साथ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।